If I am clearly audible, please wave your right hand. If I am clearly audible to all students, please wave your right hand. Oh, seventh D, am I not audible? Nobody is waving the hand. Yes, now everybody is waving the hand. That is an indication that our communication will be proper. Message and information will be conveyed efficiently. So, dear students, today our topic will be primarily focused on what? Write down the heading, everybody. Spherical mirrors. I repeat, spherical curved mirrors. Our topic today will be focused primarily on spherical curved mirror. Shabash, write down the heading. Last time I'm just saying spherical curved mirror. So I am Dheeraj Vashisht. As you know my name, I am delivering the lecture from the Online Institute K Education from Chandigarh. Let's start with it. But prior to focusing our light on spherical mirrors, let's have a quick recap of the previous lecture. Shabash. So for the previous lecture, I have to see. Look, we discussed these things. There are certain questions, two questions written on the board. Can you please read it? Yes, let me read it for you. What are the three requirements to view an object? एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कौन सी तीन चीजों की जरूरत है? What are the primary requirements? इसके लिए मैं चाहता हूं सेवंथ बी में गुरिंदर, सेवंथ बी गुरिंदर स्टूडेंट मेरे को जवाब देगी बेटे. शाबाश, प्लीज कम ऑन द माइक, स्विच ऑन द माइक एंड स्पीक आउट. सेवंथ बी गुरिंदर. हाँ बेटे, व्हाट आर द थ्री रिक्वायरमेंट्स टू व्यू एन ऑब्जेक्ट? रिपीट फर्स्ट क्वेश्चन रीड योर सेल्फ. व्हाट आर द थ्री रिक्वायरमेंट्स टू व्यू एन ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कौन सी तीन चीजें चाहिए, कौन सी तीन चीजें जरूरतें हैं? क्वेश्चन सर, लाइट, सर आइस ऑब्जेक्ट, आईज. शाबाश, ऑब्जेक्ट, वेरी गुड. सो Without revision, this student has successfully answered. Clap for Gurinder, please. Clap for Gurinder. So we require three requirements. Number one, the object itself to which we want to see. Number two, healthy human eye. अंधा नहीं होना चाहिए बंदा, उसकी आंख बिल्कुल सही हो. Third, the light, presence of light which is falling on the object. Three requirements are there. Okay. Let's move to the next question. What are the three types of objects optically? मैं इसका आंसर पूछना चाहता हूं. सेवंथ डी में एक बच्चा है जगबीर. जगबीर सेवंथ डी, प्लीज कम ऑन द माइक. जगबीर सेवंथ डी, प्लीज कम ऑन द माइक. बेटे, आपके लिए मैं फिर से एक बार क्वेश्चन बताऊं. व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑप्टिकली? लाइट की नजर से हम ऑब्जेक्ट्स को कौन सी तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं? प्लीज स्विच ऑन योर माइक बिफोर स्पीकिंग. यस, कौन से तीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं? आवाज नहीं आ रही बेटे. जगबीर, यस स्पीक आउट. सेवंथ डी जगवीर इज होल्डिंग द माइक बट वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी. ओके बेटे, लेट मी आस्क फ्रॉम द अदर स्टूडेंट. बाय द टाइम यू प्लीज चेक ऑन योर माइक. सेवंथ सी हरलीन, हरलीन सेवंथ सी प्लीज कम ऑन द माइक.
हरलीन बच्चे, इफ शी इज एबसेंट। हाँ आ गया प्यारा सा बच्चा, आ गया हरलीन। हरलीन बेटे, मैं ये कह रहा हूं, लाइट की नजर से हम तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओटीटी। क्या तुम बता सकते हो कौन कौन से तीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ट्रांसपेरेंट, यस, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसलूसेंट, यस, ओपेक। ओपेक। वेरी गुड, प्लीज हैव योर सीट, क्लैपिंग फॉर दिस स्टूडेंट, द नेम इज हरलीन। शाबाश, क्लैप बेटे, 7C के बच्चे क्लैप करो, आपकी क्लास के बच्चे ने जवाब दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो समरी करूं, ऑप्टिकली थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और हमने उनके नाम याद करे थे मेमोरी टूल बनाकर, OTT। ओ स्टैंड्स फॉर ओपेक, जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, जैसे कि चेयर, चेयर जो प्लास्टिक का चेयर होता है। सेकंड, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार लाइट बहुत ही एफिशिएंटली जा सकती है, जैसे कि ग्लास शीट, जैसे कि क्लीन वाटर। थर्ड, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट में पार्शली लाइट जा सकती है, जैसे कि बटर पेपर, जैसे कि नेपकिन वाला कागज, जैसे कि टिश्यू पेपर। गॉट इट? और हम कभी कभी हम बाथरूम्स में भी लगाते हैं ऐसा ट्रांसलूसेंट ग्लास। ओके, तो अब ये हमारे दें, लेट मी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एक और है बेटे, कौन बच्चा मेरे को बता सकता है, हाउ कैन वी प्रूव द एक्सपेरिमेंटली द रेक्टिलिनियर नेचर ऑफ लाइट? रेक्टिलिनियर नेचर, पहले ये होता क्या है रेक्टिलिनियर नेचर? आई वॉन्ट टू आस्क इट फ्रॉम विशाली, 7D। 7D विशाली, प्लीज कम ऑन द माइक। शाबाश बेटे, विशाली बच्चे, माई क्वेश्चन इज, आप कैसे एक्सपेरिमेंटली बता सकते हो कि लाइट सीधी रेखाओं में चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन? शाबाश, भूल गए, मैंने करके एक्टिविटी करके दिखाया था बेटी कल आपको, एक्टिविटी। क्या बात, परसों करा था, भूल गए? अरे प्यारा सा बच्चा भूल भी गया, चार्ट की पाइप बनाई थी हमने, याद आया? माइक इज नॉट वर्किंग ऑफ 7D। माइक इज नॉट वर्किंग इन 7C। ओके, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, सिट डाउन बेटे। 7A में आर्यन, आर्यन 7A, प्लीज कम ऑन द माइक, हरी अप, मैं देखना चाहता हूं कितना क्विक है बच्चा। 7A आर्यन, सेवंथ ई भी अपना माइक ऑन करे बेटे, ऑफ है आपका। सेवंथ ए, सेवंथ ओके, सेवंथ बी में जशनदीप, सेवंथ बी जशनदीप, प्लीज कम ऑन द माइक, हरी अप बेटे, आगे भी बढ़ना है हमें। शाबाश, सेवंथ जशन टालगर। सो बेटे, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप एक्सपेरिमेंटली बता सकते हो कि कैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? प्रूव कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली? पाइप वाला एक्सपेरिमेंट कुछ बताया था। हाँ, आपके साथ एक बच्चा खड़ा है, उसको खड़ा करो, इसने बहुत अच्छे से लेक्चर सुना। यस, येलो येलो टी शर्ट, प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी। So we will take a pipe first. यस, We can make through a paper and take a source of light like torch यस, or a laser light. Then ओके, we will take a paper and हाँ ट्राई टू मेक द इंग्लिश बेटे, ट्राई टू मेक द, बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत अच्छे, शाबाश। pass through it in a straight path, but when we add another pipe to it and change the path of the pipe, then the light can could not travel through it.
शाबाश, आपने सिर्फ एक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी है बेटे. व्हेन वी ज्वाइन द सेकंड पाइप विद द फर्स्ट पाइप एंड बेंड द सेकंड पाइप. ओके, ये थोड़ा सा वर्ड आपने ऐड करना, क्योंकि ज्वाइन तो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं. सिट डाउन. बहुत अच्छा. व्हाट इज योर गुड नेम? व्हाट इज योर गुड नेम बेटे? येलो टी शर्ट. सर समृद्धि समृद्धि के लिए क्लैप होना चाहिए. देखो कितना कॉन्फिडेंट था बच्चा, खुद ही हाथ रेज करा और कितना अच्छा आंसर दिया. और मैं अपने बच्चों को एक और एक्सपेरिमेंट भी बता देता हूं, हो सकता है उनको ये वाला अच्छा लगे. शाबाश बेटे, ध्यान से सुनना. आई हैव टेकन थ्री कार्डबोर्ड्स. आई हैव टेकन थ्री कार्डबोर्ड्स विद ऑफ इक्वल साइज विद अ सेंट्रल होल एज आई हैव शोन. सेंट्रल होल, छोटा सा माइक्रो होल, और तीनों के तीनों कार्ड स्टैंड लगा हुआ है और बराबर के साइज के हैं बेटे, बराबर के साइज के थ्री कार्ड्स. ओके, व्हाट आई हैव टेकन थ्री कार्ड्स और होल्स हैं छोटे छोटे, और होल्स भी सिमेट्रिकली हैं एक ही जगह पर तीनों में, और कार्ड्स भी क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल, मतलब सेम साइज के. ओके, अब ध्यान से देखना टीचर क्या कर रहा है. टीचर इन तीनों कार्ड्स को ऐसे खड़ा कर देगा. ओके, एक कार्ड ऐसे बिल्कुल उसके पैरेलल, दूसरा कार्ड इसको हम लैब में कर भी सकते हैं, इसी के पैरेलल थर्ड कार्ड. इन तीनों कार्ड्स में हम यहां पर सुराख करेंगे फेस टू फेस, और यहां पर हम टेबल के ऊपर एक कैंडल लगाएंगे ताकि उस कैंडल का जो फ्लेम है वो होल के बिल्कुल सीध में पड़े. द फ्लेम ऑफ द कैंडल शुड बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द होल. और यहां पर इस बच्चे को बोलेंगे कि आप इस कैंडल को देखो, तो ये बच्चा कहेगा सर मेरे को ये कैंडल दिख रही है. क्यों दिख रही है बेटे? क्योंकि ये तीनों होल अगर स्ट्रेट लाइन में होंगे तो लाइट उसकी आंखों में जाएगी, राइट? लेकिन जैसे ही हम सेंट्रल होल को, सेंट्रल कार्ड को इधर या इधर स्लिप कर दें, इधर या इधर स्लिप कर दें, तो इस बच्चे को फ्लेम नहीं दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. अगर सेंटर वाला होल हट जाएगा तो ये रुकावट का काम करेगा, ऑब्स्टेकल का काम करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा, तब इस बच्चे की आंख में फ्लेम से जा रही लाइट नहीं पहुंच पाएगी. दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. If all the three holes lie in the same straight line, then only the light coming from the flame of the candle will successfully reach the eyes of the observer. At any moment, if any of the three cards is slipped left side or right side, upside or downside, such that all the three holes does not come in the same straight line anymore, in that case, the child will not be able to see the flame of the candle. This experiment proves that light always travels in the straight line, and we have proved it experimentally. Have you understood? Please wave your right hand if you have understood. Please wave your right hand. Very good, very good. Shabash. तो आप इसको थोड़ा सा फोटो बना लो, कॉपी पे नीचे वाला फोटो बना लो बेटे अच्छे से. शाबाश, हरी अप हरी अप. आपको याद रहेगा, ऊपर हेडिंग लिख लो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ रेक्टिलिनियर नेचर ऑफ लाइट. ऊपर वाला फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला. ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट डालना बेटे, यहां थोड़ा सा टिल्ट हो गया, आप बिल्कुल स्ट्रेट डालो. हल्का सा जल्दी से हिंट कर लो ताकि आपको कॉपीज में इसको देख के याद आ जाए कि सर ने ऐसे कराया था. आप अपनी इंग्लिश बना सकते हो पेपर.
Let's move further. ओके बेटे, आज हम नाउ स्फेरिकल मिरर्स पे बात करते हैं। सभी बच्चे बताएंगे मेरे हाथ में क्या है। व्हाट आई एम थ्रोइंग अपवर्ड। शाबाश। व्हाट इज दिस? बॉल, टेनिस बॉल। वेरी गुड। तो कौन सा हम आर्टिकल डिस्कस करने लगे हैं? लेट मी टेल यू एवरीबॉडी, प्लीज राइट डाउन। So, better write down the heading, everybody, please. Spherically curved mirrors. नीचे क्या है बेटे? टर्म्स, डेफिनेशंस, रे डायग्राम। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन द हेडिंग। So, बेटे सभी बच्चे प्लीज दे, अब मेरे को बताएंगे मेरे हाथ में क्या है, कौन सी बॉल है। सर सिक्सर। यस, आप कह सकते हो क्रिकेट की बॉल है या आप कह सकते हो टेनिस की बॉल है। ठीक है, क्रिकेट की स्पॉन्ज बॉल, और ये मेरे हाथ में छोटा बॉल है टेबल टेनिस का। सभी बच्चे ध्यान से देखना, मैं समझाने लगा हूं। आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, ये बिल्कुल कांच का बना हुआ गोला है, और वो भी अंदर से खोखला, होलो स्फेरिकल स्फीयर ऑफ ग्लास। क्या बोला टीचर ने? टीचर बोल रहे हैं टेक अ होलो स्फेरिकल, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, ग्लास मोस्टली आपको पता है अगर कलर ना डाला हो तो ट्रांसपेरेंट होता ही है। ओके, तो उसको सपोज करो आपके टीचर ने ये दिखाया, ये आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास हो। ओके, अब देखना ध्यान से, मैंने इसमें से थोड़ा सा पोर्शन कट कर लिया। कैसे कट कर लिया थोड़ा सा पोर्शन? ये देखो, अगर उस कट को दिखाएं तो ऐसे दिखेगा आपको कटिंग। देखो, सफियर में से मैंने ऐसे कट करके देखा, सफियर का कुछ पोर्शन कट कर लिया और ये आ गया मेरे पास कर्व्ड में। ओके, अब क्या बेटे, इस कर्व्ड सरफेस के या तो मैं इधर सिल्वर पॉलिश कर सकता हूं या मैं इधर पॉलिश सिल्वर कर सकता हूं। जिस तरफ पॉलिश करते हैं उसके दूसरी तरफ इमेज दिखता है, जैसे हमने कल मिरर बनाया था। सपोज करो मैंने इधर निकल या क्रोमियम पॉलिश कर दिया, स्प्रे पॉलिश, तो मेरे को फोटो इधर से दिखे, और सपोज करो मैंने इधर पॉलिश कर दिया तो फोटो इधर से दिखे, राइट? तो इस तरह से हम दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर बना सकते हैं। लिखो, स्फेरिकल कर्व मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल कर्व्ड मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। शाबाश, बहुत अच्छे। देखो, ये मेरा कट करा हुआ पोर्शन है, जिस तरफ ये मैंने शेडेड लाइन लगाई होती है बेटे, इस तरफ हमने पॉलिश करा होता है, ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है, सिल्वर पॉलिश्ड।
तो जिस तरफ सिल्वर पॉलिश्ड है उसके अपोजिट साइड शाइनिंग होती है, इसमें मैंने इधर से पॉलिश कर दिया, अपोजिट करा। देखो ये भी हम कौन सा कर सकते हैं, निकल पॉलिश या सिल्वर या गोल्ड या क्रोमियम, गॉट इट। नेक्स्ट बेटे, अब देखो आप टीचर ने इन दोनों ग्लासेस के एक तरफ, दोनों ग्लासेस के एक तरफ उसने व्हाइट कलर का एरो लगाया, व्हाइट कलर का एरो। जिस तरफ ये व्हाइट कलर का एरो लगा हुआ है वो शाइनिंग सरफेस होता है, शाइनिंग, उस तरफ हम अपना फोटो देख सकते हैं। ओके, अब इन दोनों कर्व्ड मिरर्स के नाम हमें पता होने चाहिए। कोई बच्चा बता सकता है पहले वाले मिरर का क्या नाम है? कन्वेक्स मिरर, सॉरी बेटे, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। आपने ये देखना है शाइनिंग वाला सरफेस अंदर को है कि ये बाहर उभरा हुआ है। अगर वो अंदर को है शाइनिंग सरफेस, तो उसको कॉनकेव स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। जिसमें फोटो दिख रही है अगर वो बाहर को उभरा हुआ है तो वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होता है। दो टाइप्स के होते हैं। अब देखो ध्यान से, मेरे पास ये एक बड़ा सा स्पून है, राइट? अब जिस तरफ मैं फिंगर टच करूंगा, मान लो हमने उधर पॉलिश कर दिया, यहां पॉलिश कर दिया, ओके, तो आप बता सकते हो ये कौन सा मिरर बनेगा? कॉनकेव कंकेव मिरर बनेगा। अगर इधर पॉलिश कर दिया तो इस साइड से कॉनकेव मिरर बनेगा। बिल्कुल सही, अब आप समझ गए। और मेरे पास ये जो इतना ज्यादा कर्व दिखता है, थोड़ा सा कर्व होता है प्रैक्टिकली, ये मेरे पास दोनों टाइप के मिरर भी हैं, कन्वेक्स और कनकेव। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसको अच्छी तरह से। अब हमने बेटे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स सीखनी है। अगर हम टर्म्स वो नहीं सीखेंगे तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट? बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैंने 7th ए क्लास का बच्चा, 7th ही मैम, 7th बेटे, 7th ए क्लास ने ज्वाइन नहीं करा, एक बच्चा जाकर देख सकता है क्यों नहीं करा? 7th ए सेक्शन किस? अच्छा other sections. अच्छा दे आर मर्ज टू अदर सेक्शन, ओके। 7th ए में एक बच्चा आर्यन है, कैन यू कम ऑन द माइक प्लीज? 7th ए आर्यन, आजा आजा आजा, शाबाश। 7th ए आर्यन कहाँ बैठा बेटे? नहीं आया। 7th ए में एक और बच्चा है, हर्षदीप, हर्षदीप, हम्म, 7th ए हर्षदीप, प्लीज टेक द माइक बेटे, प्लीज टेक द माइक बेटे। हमने कल एक क्वेश्चन करा था, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, उसमें क्या फर्क बताया था? कैन यू प्लीज टेल मी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? वर यू प्रेजेंट लास्ट टाइम? हाँ, साथ वाले बच्चे को तो देखो कितना कॉन्फिडेंट है, रेड टी शर्ट। इमेज इज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज एज वी कैन सी इन फ्रंट, इट्स स्ट्रेट. नॉट करेक्ट आंसर, ये गलत बात हो गया बेटे। मैंने स्फेरिकल मिरर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा ही नहीं, मैंने इन जनरल पूछा था। कल मैंने बताया था रियल इमेज को टच कर सकते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म पे डेवलप कर सकते हैं, बोला था या नहीं? वर्चुअल इमेज को सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, फोटोग्राफिक फिल्म पे लिख नहीं सकते। लिख लो सभी बच्चे, सभी बच्चे लिख लो, रियल इमेज इज टचेबल। अब बैठो बेटे, टेक योर सीट, नेक्स्ट टाइम ध्यान से लेक्चर सुनो। शाबाश हर्षदीप, प्लीज टेक योर सीट बेटे। रियल इमेज इज टचेबल, नंबर वन। सेकंड, इट इज डेवलपेबल ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, इट इज डेवलपेबल ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट,
real image is obtained by real rays of light. Real image is obtained by real rays of light, comma, not extended rays of light. Not extended rays of light. Extended कौन सी होती हैं? जिनको dotted बनाया होता है, जिसके बारे में आंख सोचती है कि लाइट यहां से आ रही है. आंख हमेशा क्या सोचती है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लेकिन कभी कभी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है मिरर से, है ना? तो बच्चे जब भी आपको डॉटेड एक भी रे डॉटेड एक्सटेंड करनी पड़ेगी तो वो वर्चुअल इमेज बन जाएगा. लेकिन अगर डायरेक्ट लाइन बनाएंगे रियल रे, मैं बताऊंगा भी आपको बोर्ड पे, तो वो रियल रियल इमेज टचेबल डेवेलपेबल ऑन फोटोग्राफिक फिल्म. और क्या बेटे? और क्या? और वो रियल रेज से बनता है, राइट? अब हमने इसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे. स्फेरिकल मिरर में अगर मैं रियल इमेज पूछ लिया होता स्फेरिकल मिरर के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप कह सकते हो सर वो इन्वर्टेड होगा, तब ठीक था आपका आंसर, ठीक है? सो हम वी आर डिस्कसिंग सर्टन टर्म्स. सबसे पहले ये वाली टर्म बेटे, मिरर के टॉप किनारे से लेकर बॉटम किनारे तक अगर मैं स्ट्रेट लाइन लगा दूं तो इस गैप को क्या बोलते हैं? कैन एनीबॉडी टेल? टॉप किनारे से लेकर बॉटम किनारे तक जो ये स्ट्रेट लाइन गैप होगा, व्हाट वी कॉल इट? आपके लिए हिंट है, उसको हम ए सिंबल से लिखते हैं, स्मॉल ए. एनीबॉडी, देखे क्लास, सभी क्लासों में कॉम्पिटिशन है, देखे कौन जवाब दे पाता. वॉट इज मीनिंग ऑफ ए? नहीं बता पा रहे, राइट डाउन सभी बच्चे लिखो. ए स्टैंड्स फॉर अपर्चर. फिगर बना लेना बेटे. ए स्टैंड्स फॉर अपर्चर. सेकेंड पॉइंट, दूसरा लर्निंग पॉइंट, जिस स्फीयर से हम ये ग्लास शीट काट के लाए हैं उस स्फीयर के रेडियस को क्या बोलते हैं? कैपिटल आर. कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर, शाबाश, कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर. राइट डाउन. हाँ, एक बच्चा बोला था लेकिन अच्छे से नहीं आवाज सुनी. राइट डाउन, रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर सभी बच्चे याद रखेंगे, कर्वेचर वर्ड कर्व से बनाया गया. कर्व, कर्व से ये वर्ड बना, कर्वेचर. जिस स्फीयर में से ये हम कांच के टुकड़े काट के लेकर आए हैं, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, और समटाइम्स वी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सी. ऑप्टिकल सेंटर. सी से लिखो, चलो सी से, सी ज्यादा पॉपुलर. सी है बेटे. ऑप्टिकल सेंटर तो मिरर से रिलेटेड टर्म ही नहीं है. दिस इज रॉन्ग. जो भी बच्चा बोला था कॉन्फिडेंस से, गलत. इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट ऑफ कंट्रीज में. इसका नाम होता है बेटे, एनीबॉडी, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सभी बच्चे लिख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक और सुनो, ये जो हमने कर्व्ड मिरर बनाए हैं, कॉन्वेक्स या कनकेव दोनों में से कोई भी हो, इसके बिल्कुल बीचों बीच, सरफेस के बीचों बीच सेंटर में एक मैंने पॉइंट लगा दिया पी, दोनों में, चाहे इधर और जी, दोनों याद रहे, ये वाली आर्क और नीचे वाली आर्क बराबर होने चाहिए बिल्कुल सेंटर में. अगर ये ऊपर वाली आर्क 5 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में. इस पी पॉइंट को क्या बोलते हैं? एनीबॉडी, एनीबॉडी,
this P stands for, note down, pole of the spherically curved mirror, pole of the spherically curved mirror. कुछ बच्चे लिख नहीं रहे बेटे, इतने बहुत सारे टर्म्स हैं, आपको समझ नहीं आना कुछ, फिर बाद में, अभी तो आधी भी नहीं हुई है. फिर से सुनो, हमने क्या स्टडी करा? वी स्टडीड पोल, वी स्टडीज अपर्चर, वी स्टडीज रेडियस ऑफ कर्वेचर सो फार, वी स्टडीज सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक और सुनो, जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसके हाफ को, एग्जैक्टली हाफ को, अगर आर की वैल्यू 20 है तो उसका हाफ कर दो, यानी कि 10. एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, आर के हाफ को स्मॉल एफ से लिखते हैं. स्मॉल एफ का फुल फॉर्म होता है, याद रखना, फोकल लेंथ. फोकल लेंथ, ये जितनी भी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं दोनों मिरर से लिंक्ड हैं, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स. स्मॉल एफ इज स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ. सभी बच्चे लिखते जाओ बेटे, वरना कुछ नहीं पता लगेगा बाद में. इसी तरह हम इसमें एक और टर्म पढ़ेंगे, वो टर्म मैं बाद में फिगर से समझाऊंगा कहां पर होती है, उसको कैपिटल एफ से लिखते हैं, कैपिटल एफ. पहले हमने क्या लिखा? स्मॉल लेटर में एफ, अब क्या लिखने लगे हैं? कैपिटल एफ. राइट, थोड़ा सा और अच्छा करेंगे, प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस, वैसे आपको शाबाश है बेटे जिसने भी बताया था, लेकिन और भी अच्छा वर्ड है प्रिंसिपल फोकस. एक पॉइंट और बताएं, अगर हमारे पास दो फोकस हो, दो फोकस मान लो बेटे, एक एफ वन हो और एक एफ टू हो, दो फोकस, तो फिगर में बताऊंगा बाद में, तो उस फोकस का प्लूरल बन जाता है, और फोकस का प्लूरल होता है फोकाई. लिख लो एफ ओ सी आई, फोकाई मीन्स प्लूरल ऑफ द फोकस. अब ये हमारा शीट काफी लोडेड हो गया, लेट्स मूव टू दी अदर शीट बच्चे, इसको हम अगला शीट ले लेते हैं, ठीक है. अब फिर से देखो शाबाश, और भी टर्म्स हैं. ये हमारा कर्व्ड मिरर था, देखो कोई बच्चा बता सकता है टीचर ने कौन सा मिरर बनाया, कन्वेक्स या कनकेव? कनकेव मिरर. शाबाश, इधर वाला सरफेस पॉलिश, अपोजिट सरफेस इज ऑलवेज शाइनिंग. पॉलिश मतलब सिल्वर पॉलिश, और इस मिरर को टीचर ने बनाया है कर्व्ड स्फेरिकल मिरर. आप ध्यान से सुनना, अभी अभी टीचर ने इसके मिड पॉइंट को, पी पॉइंट को एक वर्ड से बताया था, कौन बताएगा? आप क्या करोगे, इस पोल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन निकाल दोगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और ये ऐसी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए कि अगर आप पी से टच करती हुई एक लाइन, स्ट्रेट लाइन निकालें, टच करती हुई वर्टिकल लाइन निकालें, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए. इस पर्टिकुलर लाइन का एक स्पेशल नाम होता है, कोई बता सकता है? पी ए, प्रिंसिपल एक्सिस. शाबाश, वी कॉल इट प्रिंसिपल एक्सिस. लिख लो सभी बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस. और सुनो, मान लो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इधर से रे ऑफ लाइट आ रही है, स्ट्रेट लाइन. लाइट कहां से आती है? ऑलवेज फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. इसी तरह से यहां से भी स्ट्रेट लाइन आ रही है, पूरी की पूरी बीम आ रही है स्ट्रेट लाइन, और मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी,
सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। इस पॉइंट को एफ से लिखते हैं, क्या नाम था एफ का बेटे? फोकस, फोकस प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोलना है अगर अच्छे मार्क्स लेंगे। एफ, और एक बात याद रखना, पी से लेकर एफ तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, क्या नाम था? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। एक बच्चा मेरे पास सामने आए बोर्ड पर, नाम है परलीन, सेवंथ ई, सेवंथ ई, परलीन प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे परलीन बच्चा माइक पे आए, मैं छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन पूछना है उससे। मैं एब्सेंट, इसी क्लास में एक और बच्चा अभिजोत, अभिजोत प्लीज कम ऑन द माइक, सेवंथ ई। बेटे अभिजोत ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन, अगर मैं पी से लेकर एफ तक की दूरी मापूं और वो सर पी से लेकर एफ तक की दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो एफ से लेकर पी तक की दूरी कितनी होगी? अगर पी एफ 10 सेंटीमीटर है तो एफ पी कितना होगा? 10 होगा या उसके अलग होएगा? है बेटे, वॉइस इज नॉट क्लियर। 10 सेंटीमीटर कह रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा? आप कहोगे सर ये तो सेकंड क्लास का बच्चा भी बता सकता है, हम तो सेवंथ क्लास में हो गए। ध्यान से सुनो, इसलिए पूछा कि ये भी 10 सेंटीमीटर होएगा, पीएफ के बराबर ही होगा, पर इसको नॉट इक्वल टू फोकल लेंथ बोलेंगे। इसको फोकल लेंथ नहीं बोलना, पीएफ को फोकल लेंथ बोलना है, एफपी को नहीं बोलना, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट ने ये रूल बनाया है कि कोई भी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मापना हो वो पोल से शुरू होना चाहिए, पी एफ मतलब पी से एफ तक, ये तो फोकल लेंथ बोलेंगे, एफ से पी तक नॉट ए फोकल लेंथ। लिख लो प्रिकॉशन, लिख लो सभी बच्चे, पी एफ इज फोकल कॉल्ड फोकल लेंथ, एफ पी इज नॉट फोकल लेंथ, PF is called focal length, FP is not focal length as per international conventions because all horizontal distances are to be measured from pole. जो बच्चे लिखते नहीं है ना और सोचते हैं हमें याद रहेगा, वो अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं बेटे, कि जब सारा सिलेबस कवर हो जाता है, इतनी नॉलेज आ जाती है, फिर भूलने लग जाते हैं। PF, PF is called focal length, not FP, because every horizontal distance is measured from the pole of the mirror as per standard international conventions set by a scientist. अगली बात ध्यान से सुनना बेटे, जितनी दूरी P से F की है उतनी दूरी F से C की होती है, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। ओके, सी का क्या नाम बताया था बेटे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से सुनो, पी से लेकर एफ सी तक, पी से लेकर सी तक क्या बोला जा सकता है? कोई बच्चा बताएगा? पी से लेकर सी तक, याद रहे पी से लेकर एफ तक तो टीचर ने बता ही दिया आपको, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कौन सा बच्चा है भाई? ये ब्रेनी बच्चा है, कौन किसने बताया? बिल्कुल सही, प्लीज नेम योरसेल्फ। मनजोत सिंह। अरे मनजोत के लिए सारी क्लासेस क्लैप करेंगे, प्लीज कोऑपरेट मी, आई अप्रिशिएट, क्योंकि इस बच्चे ने एकदम से जज कर लिया कि सिर्फ आपने बोला जितना पी एफ है उतना ही एफ सी है, वहां से इस बच्चे ने जजमेंट कर लिया कि सर जितना पी एफ है उसका डबल पी सी हो गया, जितना पी एफ है उसका डबल पी सी हो गया, क्योंकि ये पी और एफ बराबर है एफ और सी के। अब इस बच्चे ने देखा कि सर पी एफ को तो आप फोकल लेंथ बोल चुके हो, तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ बन गया ये पी सी,
फिर उसने बच्चे ने देखा कि सर एफ कितना होएगा, फिर आपका पीसी अपॉन टू आइस हो गया। तभी इस बच्चे को याद आ गया, सर थोड़ी देर पहले आपने पिछले लेक्चर में बताया था क्या के फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, बोला था कि नहीं बोला था। इसका मतलब पीसी और कुछ नहीं है, कैपिटल आर है जो थोड़ी देर पहले बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सभी बच्चे लिख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये बच्चा मनजोत, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी, कितनी जल्दी इसने प्रोसेस कर लिया ये सारी बात। एक ही बच्चा सारे सेक्शनों में, वेरी गुड। अब एक और बात पूछता हूं मैं, देखते हैं मानवी बता सकती है कि नहीं। सेवंथ जी मानवी, मानवी है ना बेटे नाम आपका, सेवंथ जी, शाबाश, प्लीज कम ऑन द माइक मानवी। बेटे आपने मेरे को यह बताना है, पीसी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, क्या मैं सीपी को भी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकता हूं? यस या नो? नो। क्यों, वाई? कौन बच्चा इसका वाई बता सकेगा? आंसर सही है, वी कैन नॉट कॉल सीपी एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका आंसर कौन बताएगा? रेज योर हैंड। सर बिकॉज ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। अरे वाह, किसने बोला बेटे? व्हाट योर गुड नेम? सर दिशांत। दिशांत। सेक्शन? सर सेवेंथ एफ। सेवंथ एफ। दिशांत के लिए क्लैपिंग, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बैठो बेटे आप भी, आप बैठो बच्चे मान भी। तो सेवंथ एफ में दिशांत ने बहुत ही अच्छा बताया कि सर अभी अभी तो आपने बोला कि जितने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शुरू होते हैं वो पोल से शुरू होते हैं, अगर आप सीपी लिखोगे तो आपने तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से शुरू कर दिया, तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस गलत कर दिया आपने खुद ही। तो दिस इज नॉट इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीसी अगर लिखते हैं तो वो पी से शुरू हो रहा है, इंटरनेशनल साइन कन्वेंशंस फिर सेटिस्फाई होंगी, तब पीसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल कहा जा सकता है। गॉट इट? आगे बढ़े, शाबाश शाबाश। तो यहां से हमने ये भी देखा कि अगर फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को टू को इधर ले आओ, डबल ऑफ फोकल लेंथ भी कह सकते हैं, डबल ऑफ फोकल लेंथ। एक और सुनो बेटे बात, एक दो टर्म्स अभी और बची हैं, इसके लिए मैं कलर चेंज करता हूं बेटर विजिबिलिटी के लिए। मान लो मैंने ग्रीन कलर से यहां पर एक निडल रख दिया, निडल या कुछ और भी रख सकता हूं, कैंडल रख दिया, पेंसिल रख दिया, कुछ भी रख सकते। तो मैं चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट का इमेज बने इस मिरर के द्वारा, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट तक की दूरी, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी एक स्पेशल लेटर से लिखी जाती है, कौन बच्चा इस लेटर को बताएगा? बता सकते हो? पोल से लेकर ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन गैप को एक स्पेशल लेटर से लिखा जाता है इंग्लिश के, उस लेटर को क्या बोलते हैं? कौन सा लेटर होता है? एल होता है, एम होता है, क्या होता है? नहीं पता, लिख लो सभी बच्चे। इसको बोलते हैं यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू, स्मॉल इंग्लिश लेटर यू, लिख लेना। यू रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, यू रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। मिरर कोई भी हो, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, सभी में ऐसा लिखा जाएगा यू। और मान लो इसको यहां रखने से इमेज बन गया इस जगह पर जहां पर मैंने व्हाइट कलर से फोटो बना दिया, ये इमेज बन गया। अगर मैंने यहां पर मान लो व्हाइट शीट रख दी तो व्हाइट शीट जो है वो स्क्रीन का काम करेगी और यहां पर इमेज बन जाएगा। ये इमेज के डिस्टेंस को पोल से लेकर, पोल से लेकर इमेज की स्ट्रेट लाइन गैप, सर कैपिटल वी, थोड़ी सी गलती होगी, स्मॉल लेटर से लिखते हैं, वी से, नॉट कैपिटल।
स्मॉल वी, सभी बच्चे स्मॉल वी के सामने लिखो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। याद रहे टीचर ने व्हाइट कलर में इमेज बनाया, किसका? ग्रीन कलर वाले ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। ओके और सुनो बेटे, शाबाश, और भी टर्म्स हैं। अब मैं एक और टर्म बता रहा हूं आपको ब्राउन कलर से। जितना भी इस ऑब्जेक्ट का साइज होता है, व्हाइट कलर से बता रहा हूं, उसको ओ ब्रैकेट में डालते हैं। ओ ओ को ब्रैकेट में डालना है, सामने लिखो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कैपिटल लेटर में लिखना है ओ, इसी तरह से कैपिटल लेटर में आई को लिखना है ब्रैकेट में डालकर। इसको लिखते हैं साइज ऑफ द इमेज। कैपिटल आई स्टैंड्स फॉर व्हाट बेटे, कैन यू टेल मी? साइज ऑफ इमेज। ओ का क्या बताया टीचर ने बेटे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। एक और टर्म आती है, उसको स्मॉल एम से लिखते हैं, उसका नाम होता है, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। बेटे सेवंथ एफ में एक बच्चा है एकलव्य, कितना बढ़िया नाम है एकलव्य, प्लीज कम ऑन द माइक। सेवंथ एफ, सेवंथ एफ, नहीं आ रहा आगे। हाँ बेटे एकलव्य बच्चे, आप मेरे को बताओगे स्मॉल एम का मैंने क्या मतलब बताया था? अभी अभी बताया मैंने, ये देखना आपकी लिसनिंग कितनी अच्छी है। लिखा नहीं मैंने जानबूझकर, किसी से पूछना नहीं है, शाबाश। स्मॉल एम का क्या नाम बताया था? सर लीनियर ऑफ मैग्निफिकेशन। थोड़ा सा गलत है गया प्यारा बच्चा, फिर भी क्लैपिंग, शाबाश। ऑफ नहीं लगाना बीच में बेटे, लीनियर मैग्निफिकेशन, प्लीज टेक योर सीट। लीनियर मैग्निफिकेशन, सभी बच्चे लिखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। और ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है स्मॉल एम, इसका फार्मूला होता है इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज। लिख देना इसके सामने, लिख देना रेशियो, एम के सामने डेफिनेशन, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लो बेटे अब हमने काफी सारी बातें सीख ली, रे डायग्राम हम बाद में करेंगे, पहले आप अपनी असाइनमेंट, प्लीज पुल आउट योर असाइनमेंट, वर्कशीट लाइट के ऊपर आपको डिलीवर कर चुके हैं हम। इसमें हमने 14 क्वेश्चन कर लिए थे, आगे बढ़ते हैं बेटे। ओके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं आज। मैं इसको इरेज करने लगा हूं, शाबाश। 14th क्वेश्चन हमने कर लिया था, लेट्स टॉक अबाउट 15th क्वेश्चन। इन ए पेरिस्कोप टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, व्हेन यू लुक थ्रू द पेरिस्कोप डू यू सी एन इनवर्टेड और अपराइट इमेज, एक्सप्लेन व्हाई। देखो बेटे इसमें एक वर्ड है पेरिस्कोप, इसके सामने लिख दो एप्लीकेशन ऑफ, ध्यान से लिखो एन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के ऊपर ये एक एप्लीकेशन है। टाइम इज ओवर, नहीं अभी एग्जैक्ट 5 मिनट बढ़े हैं, कोई भी बच्चा बीच में ना बोले, एग्जैक्ट 5 मिनट मेरे पास बढ़े हैं। तो
इस पेरिस्कोप में क्या था, ध्यान से सुनो, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बेटे जिससे जब लड़ाई लगती है एक देश की दूसरे देश से, तो हमारे इंडियन सोल्जर्स खुद को छुपा लेते हैं और दूसरे सोल्जर को देख लेते हैं इसकी मदद से, और अपने आप को छुपा के दूसरे को देख लेना, फिर उस पर निशाना लगा देते हैं। इस तरह से भारत जीत जाता है वार, ठीक है। लेकिन ये काम कैसे करता है, ध्यान से सुनो, हमारे पास एक पाइप होता है, ऐसे हम इस पाइप को ले लेते हैं, फिर उसके परपेंडिकुलर एक और पाइप होता है, फिर यहां पर एक इसके परपेंडिकुलर एक और पाइप होता है। ओके, ध्यान से सुनना, मान लो दुश्मन का जो सोल्जर है वो यहां जमीन के ऊपर यहां पर खड़ा हुआ है, दुश्मन का सोल्जर, ओके, हमारे सोल्जर ने अपने आप को इस खड्डे में छुपा रखा है, ये जमीन के अंदर खड्डा कर दिया उसने, यहां पर बैठा है हमारा सोल्जर, लेकिन उसने गन बाहर निकाल रखी है, यहां पर गन है उसको। अब ध्यान से देखना होता क्या है, सभी बच्चे ध्यान से देखना क्या होएगा, इस सोल्जर की बॉडी पर सनलाइट पड़ी और इसकी बॉडी से टकरा के ये लाइट जा रही है, देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये लाइट गई ग्रीन कलर की दिखाई है मैंने, ये लाइट जा रही है पाइप के अंदर, हमने क्या करा हुआ है, हमने यहां पर एक 45 डिग्री पर मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर, ये एंगल कितना रखना है थीटा 45 डिग्री, तो यहां पर मैंने ये मिरर लगा दिया, इधर से पॉलिश, कौन सा मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर बेटे, उससे क्या होगा, प्लेन मिरर से ये ग्रीन वाली लाइट टकराकर ऐसे आ जाएगी और ये भी टकराकर कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, यहां पर जैसे ये पहुंची तो मैंने एक मिरर और लगा रखा है यहां, वो भी मैंने 45 डिग्री पर लगा दिया, तो जैसे ये 45 डिग्री पर ये एक अनदर मिरर लग गया M2, वो कितना था M1, यहां पर भी एंगल कितना बनेगा, ये वाला अल्फा एंगल कितना आएगा 45 डिग्री, तो ये येलो लाइट यहां पर जो मैंने गिरती हुई दिखाई है ये यहां से ऐसे टकराएगी बेटे, और देखो यहां से ये मिरर के अंदर तो जा ही नहीं पाएगी, इधर से ऐसे चले जाएगी और इधर से ऐसे चले जाएगी, तो ये दोनों रेज इस हमारे वाले सोल्जर की आंखों में जाएगी, उसको ये दिख जाएगा कि दुश्मन का सोल्जर कहां पर खड़ा है, एनिमी सोल्जर, और ये क्या है, भारत सोल्जर, अपने देश का नाम भारत बोला करो आप, नॉट इंडिया, तो भारत के सोल्जर को एनिमी का सोल्जर दिख गया और वो अपने गन से सेटल करके निशाना शूट आउट कर देगा, तो पेरिस्कोप की मदद से इंसान खुद को पिट में छुपाकर, खड्डे में छुपाकर दुश्मन के सोल्जर को देख सकता है, शूट कर सकता है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन हुई, दो बार प्लेन मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन हुआ, इसीलिए एन एप्लीकेशन ऑन रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन मिरर, समझ आया आपको बेटे, यस और नो, प्लीज वेव योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, और एक चीज और देखो, जो लाइन हेड से चली है नंबर वन, नंबर वन, ये नंबर वन से आ रही है, ये नंबर वन से आ रही है, ये नंबर वन से आ रही है, तो हेड उसको ऊपर ही दिखेगा, इसलिए सोल्जर का इमेज स्ट्रेट ही दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा, इन्वर्टेड नहीं दिखेगा, उस हमारे वाले सोल्जर को दुश्मन के सोल्जर का इरेक्ट इमेज ही दिखेगा। इस तरह से हमने 15th क्वेश्चन कर लिया बेटे, इरेक्ट को अपराइट भी बोल देते हैं, अपराइट सीधा, नेक्स्ट क्वेश्चन अजर्शन रीजनिंग, फटाफट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, ट्रू और रॉन्ग, ट्रू, ट्रू, शाबाश, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, रीजन गलत है बेटे, अजर्शन सही है, फॉल्स, फॉल्स,
सर सी पार्ट हाँ जो भी है. नेक्स्ट देखो सेकंड लेटरल इन्वर्जन अकर्स बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर इमेज. ये ट्रू, ये पहले ही बता दिया आपने, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी किसी बच्चे से. असर्शन इज ट्रू. रीजन द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड. ट्रू ट्रू, असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू. थर्ड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. फॉल्स. फॉल्स. थर्ड थर्ड के अंदर assertion फॉल, क्योंकि प्लेन मिरर में तो इक्वल साइज बनता है बेटे, इक्वल साइज. रीजन अ प्लेन मिरर क्रिएट्स ए वर्चुअल इमेज. कोई लिंक ट्रू तो है लेकिन ऊपर वाली बात से कोई लिंक नहीं है इसका. ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड और ये थर्ड. बेटे नोट कर लो. मूव टू द नेक्स्ट पेज. मूव टू द नेक्स्ट पेज. ये फोटो देखो, एक टॉय दिखा रखा है, एक आयशा आई दिखा रखी है, प्लेन मिरर दिखा रखा है. आप मेरे को बताओ एट व्हाट पॉइंट द इमेज ऑफ द टॉय विल बी फॉर्म्ड टू द आयशा. आयशा को टॉय का इमेज कहाँ दिखेगा? वन पोजीशन पे, टू पे, थ्री पे, फोर पे, बोलो कहाँ दिखेगा? सर पॉइंट वन, पॉइंट टू. पॉइंट वन इज रॉन्ग. पॉइंट टू. पॉइंट टू इज करेक्ट. पॉइंट टू इज करेक्ट. देखो बेटे, अगर ये मिरर है और मिरर के यहाँ पर कैंडल है, मान लो या कैंडल समझ लो, चलो कैंडल है या पेंसिल है, यहां से टकराकर आयशा की आईज में आई. आईज तो हमेशा ये सोचेगी ना, स्ट्रेट लाइन में आती है लाइट, तो यहां पर इमेज दिखेगा. ये पोजीशन टू इज करेक्ट. सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन द मिरर? वर्चुअल इमेज. वर्चुअल होता है बेटे प्लेन मिरर में. प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज होता है. और अपराइट बनेगा कि नहीं बनेगा? सर अपराइट. बी पार्ट. वर्चुअल भी होता है प्लेन मिरर में और अपराइट भी होता है. ठीक है, तो हम ये जो पैराग्राफ सेकंड है इसका बेस मैंने आपको बना दिया. एम टू पैराग्राफ आप घर से करके आओगे. एम टू आप घर से करके आओगे, हम इसको डिस्कस करेंगे बेटे. ठीक है, आज का लेक्चर कितने बच्चों को, जिसको समझ आया प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स. प्लीज ऐसे ऐसे. शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच. चलो अगली बार मिल. बाय बाय. बाय बाय.